बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ बना के अगर रात में इसको हिंदी भेज दीजिए, बहुत अच्छी बात है। एप्लीस में एप्लीस है। या हिंदी में जाने ओके, दीजिए, मराठी वाला मराठी को भेज आप दें। मेरे को गिरजाधीर जी, मेरा नंबर है आपके पास? हाँ है ना, आप जो भेजे थे इनवाइट इनविटेशन वाला। हाँ, तो आप उसी पे पीडीएफ भेज दीजिए, मैं अभी सभी लोगों को सर्कुलेट कर दूंगा उसको, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है, ठीक हमारे सारे सहकारियों के पास पहुंच जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक हो जाएगा वो। जी, तो साथियों, साहब ने अपनी बात आपको बता दी है और मैं जो इसमें गाइडलाइंस देनी थी उन्होंने दे दी है, और हमारे कोई पार्टिसिपेंट्स जो इस समय मीटिंग में हैं मौजूद, अगर इस विषय पर कुछ बोलना चाहें तो वो अपनी बात रख सकते हैं, कोई भी साथी। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, प्लीज अनम्यूट करिए आप। जी हेलो। हाँ, ये शांति स्वरूप बौद्ध की बुक है ये। अच्छा, ये देखिए, हाँ, देख रहा हूँ। इसमें उनके भाषण है। आओ मैडम से पूछिए, यही बुक है या दूसरी है? 1 मिनट आप जरा ऊपर करिए, इसको दिखाइए, सावित्रीबाई फुले सचित्र जीवनी, ये वाला ना? अच्छा, चलिए ठीक है, अभी मैडम बता देंगी, यही होगी। तो अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ चाहिए ना, किताब से काम नहीं चलेगा इस समय। नहीं, मेरे पास पीडीएफ नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक इसमें उनके है। अलग अलग भाषण हैं। जी, ठीक है। तो कोई साथी आप उनके बारे में बताना चाहेंगे इस समय? हमारे नेशनल ट्रेनर हैं दो लोग, अमर सिंह चौहान साहब और श्याम सुंदर जी, कुछ अलग से प्रकाश डालना चाहेंगे आप लोग? अनम्यूट करिए सर आप। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। सभी उपस्थित सहकारियों को मेरा जय भीम। जी सहकारियों, ये हमारा दायित्व तो बनता है कि जो सावित्रीबाई फूले अब तक अशोधित हैं और हम उनकी पूरी पूरी जो महत्व है उसको समाज में स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि इस दुनिया में जो भी आदमी पढ़ता लिखता है, समाज में कुछ काम करने की सोचता है, तो हर किसी आदमी का कोई ना कोई एक आदर्श होता है। वो कहीं ना कहीं से कुछ ज्ञान लेकर के, कहीं से कुछ प्रेरणा लेकर के, या कहीं से कुछ जानकारियां लेकर के, उस पे अगर वो अच्छी समझता है तो वो उन पर खुद चलना चाहता है और वही वो समाज को देना चाहता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि सावित्रीबाई फूले जी किससे प्रेरित थी? तो यहाँ बिल्कुल उभर करके आता है कि सावित्रीबाई फूले से पहले भारतवर्ष में जो भी अच्छा इतिहास था वो सम्राट अशोक का इतिहास था। तो सम्राट अशोक एक ऐसी महान विभूति बन जाते हैं हर बहुजन समाज के लिए कि किसी भी हमारे समाज के अगुआ ने हमेशा सम्राट अशोक को अपने सामने रखते हुए अपने सिद्धांतों को समाज तक पहुंचाने की जी कोशिश की है। और इसी कड़ी में सावित्रीबाई फूले भी बहुत ज्यादा प्रभावित थीं, क्योंकि सावित्रीबाई फूले से पहले उनके पति देव ने ये जान लिया था कि सम्राट अशोक के जमाने में जो महान व्यवस्था थी कल्याण की, जनता के कल्याण की, उसके बाद में बहुत सारा गंद भर दिया गया है और उस गंद को भरने के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए खतरा है। ये बात उनके दिमाग में घुस चुकी थी ज्योतिबा फूले के में, और यही बात सावित्रीबाई फूले के में, क्योंकि दोनों पति पत्नी थे और दोनों की विचारधारा, उनका सहजीवन जो था वो बहुत एक उसमें बहुत साम्य था। तो ये बात उनके दिमाग में अच्छी तरह बैठी हुई थी और यही चीज वो समाज में और कहीं उससे आगे भी समाज को वो देना चाहती थी। तो हम लोगों का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि सम्राट अशोक के विचारों को और उस जमाने की जो अच्छाइयां थी उसको अपने दिमाग में रखते हुए सावित्रीबाई के जो अनछुए पहलू हैं उनको हम एक्सप्लोर करें और अगले आने वाले समय में,
हम सावित्री बाई को एक भारत ही नहीं समस्त विश्व की एक ऐसी महान महिला के रूप में प्रस्तुत करें, और वो है महान, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। वो नहीं सिर्फ स्त्रियों के लिए, और ये कहना बिल्कुल एक बहुत छोटी बात होगी कि उन्होंने बहुजन या शूद्रों के लिए ही कार्य किया, क्या उस समय की सवर्ण महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी? नहीं थी। नहीं थी तो उन लोगों के लिए भी तो उसने नारी शिक्षा की मुक्ति, नारी मुक्ति और इन बहुत सारी चीजों का उद्योग जगत, कृषि उद्योग है, अपने सामाजिक जीवन, इन सबके उत्थान के लिए कार्य किया। तो वो एक पर्टिकुलर वर्ग की महिला नहीं रही, वो एक पूरे समाज की महिला बन गई और वो पूरे विश्व की महिला बन गई। जिस तरह बाबा साहब विश्व पुरुष कहलाते हैं, तो उनका दर्जा भी किसी विश्व नारी से कम नहीं है। इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए कल का अपना वक्तव्य या कल का अपना जहां जहां हम प्रोग्राम कराएं वहां पर हम उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के भी साथ जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, धन्यवाद। नारा सिंह जी बोलो। सर सर बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। सहकारी, सभी सहकारियों को जय भीम। प्रथमता सहकारियों, अनएक्सप्लोर सावित्री बाई को जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे सर जी ने कहा कि कम कौन पड़ता है आगे जाने में, महान अशोका ने कहा है मैं लोगों के जीवन में जो कुछ भी कर सका हूं, मैं लोगों के जीवन में जो कुछ भी कर सका हूं वो लोगों को सोच विचार करने वाला बनाकर यह सब कर सका हूं। यानी सोचने की जो क्षमता थी, जो विद्या थी, जो थिंकिंगनेस था, उस थिंकिंग के ऊपर ही क्रांति ज्योति सावित्री बाई माई फुले जी ने अपने जो भाषण है उनमें गहरा बहुत बड़ा उसके ऊपर ये किया है, ध्यान आकर्षित किया है। लोगों को अपना आलस दूर करने के लिए कहा है, उद्यमी बनने के लिए कहा है। अगर आप उद्यमी बनोगे, अगर आप उद्यमी बनोगे तो अपने जीवन में जो सुख है, जो सुख के लिए जो बातें जरूरी है, जो अर्थ जरूरी है, जो ज्ञान जरूरी है, वो आपको मिलेगा। और ये उद्योग भी दो प्रकार के उन्होंने कहे, एक उद्योग सोच विचार करने वाला है और एक उद्योग ना सोच विचार करने वाला है। यानी जो लोग कहते हम दे हरी पलंगावरी, यानी बैठे बैठे पलंग पे खाने को मिल जाए, ये जो उद्योग है, यानी हम कई बार करते बेटा तेरे सामने थाली परोसी है, खा दे रहे हाथ से, वो बोलता है कोई मेरे मुंह में डाले। यानी ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी के ऊपर सावित्री माई ने गहरा ये किया है, मतलब जोड़ दिया है और उद्यमी बनने के लिए कहा है। इसी तरह से सावित्री माई ये कहती है कि 2000 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमसे जो सोच विचार करने की शिक्षा छीनी गई और हम हर चीज के लिए, हमारे प्रगति के लिए भगवान को या देव को या सहकारी मानते हैं, यानी नसीब के ऊपर ध्यान देते हैं, इसके ऊपर कड़ा प्रहार करती है सावित्री माई और कहती है कि ये जो काल्पनिक बातें हैं, इन्हीं काल्पनिक बातों ने अपनी सोच विचार को मारा है, आपकी सोच जो करने की जो क्षमता है उसे नष्ट कर दिया है। इसलिए इस काल्पनिक भगवान पर कदापि ना विसंबित रहे, अब सोचने की प्रक्रिया करे। इतना ही नहीं, और एक बात उनकी विद्याध्यान में खास आती है कि जब हम अशोका का दिल्ली टोकरा का जो शिलालेख है और उसमें जो बातें कही गई है और उसमें जो उत्साह की बातें कही गई है, सदाचार की बातें कही है और खास करके उच्चतम भय की बात कही है, यानी हम जैसे बड़ों का बड़े आदर्श के साथ भय रखते हैं, उस भय की बात जो दिल्ली टोकरा के शिलालेख में है वही बात सावित्री माई कहती है कि अगर मनुष्य ज्ञान से आगे आया, उद्यमशील रहा, तो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे अपने आप स्वयं का भय लगेगा, वो अपने आप उद्यमशील बनेगा, ज्ञानशील बनेगा। यानी इतनी जो बातें हैं
जो कि महान अशोका के कार्यकाल का जो गवर्नेंस था, उस गवर्नेंस के कार्यकाल में जो व्यवस्था बनी थी, और उस व्यवस्था में हर इंसान, यानी वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो ज्ञानी थे, सोच विचार करने थे, उद्यमी थे, इसीलिए एक दूसरे के बारे में विश्वास रखते थे। चातुर्वर्णीय जो कंप्लीटली एनहैलिट कर दिया गया था, वही बात सावित्री माई अपने 19वें शतक में कहती है कि यही बातें से अगर आप जाओगे, यानी अपने अंदर का वो पाखंड दूर करोगे, सोच विचने क्या सोचने से उद्यमी रहोगे, आलस को दूर करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और यही बात वो बाकायदा नाम लेती है कई जातियों क्या, कि हमारे लोगों में ये सारे पाखंड आ चुके हैं, इसकी वजह से हमारे लोग अपने जीवन की हर एक बात नसीब से जोड़ते, उस नसीब को, उस पाखंड को ये कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, इतनी बात करती है। इतना ही नहीं, आगे जाके और एक बात करती है, अगर आप ज्ञानी हो, आप ज्ञानी हो तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे हम देखते हैं कि अकेले बाबा साहब सारे मुनियों को भारी पड़े, इसी तरह सावित्री माई कहती है कि अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा, भले आप किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ण से हो, आपको पूजा, आपको सम्मान मिला जाएगा। अगर आप ज्ञानी नहीं हो तो आपको कोई नहीं सम्मान देगा। यानी इतनी बड़ी बात सावित्री माई ने अपने जो भाषण है उन भाषणों में कही है। यही बातें हमें आने वाले समय में हमारे समाज के सामने गहराई से रखनी है। और जो बातें सावित्री माई के लिए नहीं कही गई, ये बातें अगर हम कहते हैं तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए सामाजिक पुनर्गठन का जो बिना पे बैक टू सोसाइटी ने उठाया है, वो सामाजिक पुनर्गठन का, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का, थिंकिंग स्किल का, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास, अगर ये बातें अपने अंदर सावित्री माई की समझ लेता है और लोगों के सामने रखता है, तो आने वाले समय में सावित्री माई इस देश की बहुत बहुत बड़ी, जो पहले से है, उनका जो साहित्य आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है, उनके जीवन के बारे में जो बातें बाहर नहीं आई है, वो लोगों को समझेगी और सामाजिक पुनर्निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। केवल योगदान नहीं, तो हमें भरोसा है ये बातें हमारी महिलाएं, पुरुष उसे अपने अंदर स्वीकृत करेंगे और एक उद्यमी बनेंगे, ज्ञान के साथ साथ उद्यमी भी बनेंगे। धन्यवाद। इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। अच्छा किया आपने थोड़ा सा विश्लेषण कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमर सिंह चौहान जी। अच्छा, मैं आपसे अब यही अपेक्षा कर रहा था। थैंक यू। नेक्स्ट जी। ओके सर। सर मैं सिर्फ दो चीजें बोलना चाह रहा था कि सावित्री माई फुले, इन्होंने उस समय में पुनर्विवाह हो, चाहे बाल हत्या की बात हो, उस पे निरोधक की बात हो, चाहे स्त्री शिक्षण की बात हो, तो सर ये कैसे सोचकर ये सब इतने चीजों को हैंडल कर रही होगी, ऐसी कैसे क्या सोचकर वो हैंडल कर रही होंगी, और कैसे उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इसको इतने पहले हैंडल किया है, तो सर ये कोई हाईली स्किल्ड पर्सन ही इसको कर सकता है। और एक हाईली स्किल्ड पर्सन वही हो सकता है जो एक बेहतरीन तरीके से सोच विचार कर सकता है। yes. जो कि हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो एक बेहतरीन हाईली स्किल्ड पर्सन थी, बिल्कुल सोच विचार करने वाली। तो हम ये समझते हैं कि वो कैसे सोच रही होंगी, वो हर फैक्टर को कितना बेहतरीन तरीके से समझ रही होंगी, और वो उस समय की परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हुए उस पे आगे बढ़ती होंगी, और इन सब चीजों को लेके हमने ये विषयों को भी मतलब इसमें इंक्लूड करना चाहिए, इतने बेहतरीन तरीके से हमने इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू। बस एनीबॉडी कम फॉरवर्ड।